पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लग रहा है। बिश्नोई इस वक्त दिल्ली तिहाड़ के जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली, राजस्थान, पंजाब की पुलिस किसी न किसी केस में अक्सर रिमांड पर लेती रहती है। पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी कर चुका है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात प्रेसिडेंट गोल्डी बराड़ से हुई। गोल्डी पहले से जुर्म की दुनिया में शामिल था। गोल्डी से मुलाकात के बाद लॉरेंस यूनिवर्सिटी में चुनावी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई में एक के बाद एक अपराधों में शामिल होता चला गया। लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा बढ़ने लगा, लेकिन इसी दौरान चंडीगढ़ और दूसरे राज्यों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए। कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। 12 फरवरी 1993 को पैदा हुए लॉरेंस बिश्नोई के पिता हरियाणा पुलिस में 1992 में कांस्टेबल थे। हालांकि पुलिस की नौकरी उन्होंने 5 साल के बाद ही छोड़ दी थी। शुरुआत में बिश्नोई शराब माफियाओं से रंगदारी वसूली करता था। कुछ लोग कहते हैं कि जेल में रहते हुए वो आज भी ये काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उसके गैंग में 700 शूटर हैं जो कनाडा समेत कई देशों में फैले हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला काफी पहले से बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे। कुछ जानकारों का मानना है कि बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप को सिद्धू मूसेवाला सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही बिश्नोई के करीबी रहे विक्की मिदुखेड़ा की हत्या 8 अगस्त 2021 को कर दी गई थी। हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। विक्की मिदुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए बिश्नोई गैंग तभी से सिद्धू पर हमले की फिराक में था।